प्यारे दोस्तों, वेलकम वेलकम टू मिशन सीजीएल। आज एमसीक्यू थर्ड एंड फोर्थ जनवरी 2022 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यू हमने लेके आने की शुरुआत की है, उसके थर्ड एंड फोर्थ जनवरी 2022 का एमसीक्यू। और ये देखिए, मतलब छनबिन के लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जैसे कि आपके सीजीएल एग्जाम में कौन है। ओके, ये दीज आर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ओके, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड। सो आप हमारे साथ बने रहिए, और जो नए दोस्त हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स करें, सो दैट वी गेट मोर एनकरेज टू इन्फॉर्म यू मोर एंड मोर करंट अफेयर्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये है मशीन सीजियल, जिसे हम हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। और हमारे एक दूसरे भी चैनल है, वो है ड्रीम WBCS। ओके, वो है ड्रीम WBCS, जो आपको बंगाल के BCS के प्रिपरेशन को, PSC का प्रिपरेशन जो होते हैं, उसके हेम क्वेश्चंस और वही पैटर्न, मतलब जो करंट अफेयर्स हम यहाँ पे लेके आते हैं, ऑल इंडिया बेसिस के करंट अफेयर्स है। तो स्टेट PSC एग्ज़ाम तो रहा ही रहा, CGL, NTPC, फिर RRB, जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, मोस्टली एक्सपेक्टेड। और मिसलेनियस का एग्ज़ाम हो सकता है, क्लर्कशिप का वो एग्ज़ाम हो सकता है, इसमें मोस्टली एक्सपेक्टेड। तो हमारे साथ अगर कोई बंगाली फ्रेंड्स हैं, तो ज़रूर हमारे जो ड्रीम WBCS उसको फॉलो करें। और इफ़ यू अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश बोथ, देन यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन मिशन CGL। ओके, तो चलिए आज देखिए, ये जो मंत्र है, ये मंत्र जीवन के मंत्र हैं। ओके, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, जो ड्रीम्स है उसको आगे हकीकत में बदलने के लिए होते हैं। बिकॉज ये हमारे जो ये एबिलिटी है, उसके हम बिलीव करते हैं, हम खुद के ऊपर बिलीव जगाते हैं। अगर हम खुद को बिलीव करना शुरू करें, तो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है, बहुत बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है। वी कैन डू वॉट एवर वी कैन, ओके, वॉट एवर वी कैन। सो इफ़ यू बिलीव, बिकॉज बचपन से यही सुन के आते हैं, हमसे नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो नेगेटिविटी से हमारे दिमाग भरे हुए हैं, तो उसको पॉजिटिविटी पे बदलाने के लिए ये मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र। दोस्तों, आप में से अगर कोई एक आदमी इसको मान के चले और तहे दिल से प्रिपरेशन करें, ओके, तो ज़रूर सक्सेस आएगा। तहे दिल से प्रिपरेशन करें, बिकॉज मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जैसे मेहनत रंग लाएगी, वो तो कहावत है ही आपके पास कि मेहनत रंग लाएगी। दोस्तों, इसके बारे में एक दो चार शब्द मैं आपको कहना चाहूँगा, मेहनत रंग लाएगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मतलब मेहनत रंग लाएगी। ओके, तो देखिए, एक नाइफ जो होता है, नाइफ छुरा, ठीक है, उसको अगर आप फेंक के रखोगे, उसको शार्प नहीं करने की कोशिश नहीं करोगे, तो क्या है, वो ब्लांट बनता जाएगा, दिन के दिन वो ब्लांट होता जाएगा, मतलब उसमें धार नहीं रहेगा, उसको कुछ काटेगा भी नहीं। तो आपके दिमाग भी वैसे ही है, अगर आप डेली रगड़ते हो ये नाइफ को रगड़ने का, मतलब यहाँ पर ब्रेन में हमें प्रैक्टिस करने का बराबर है, कि हमें ब्रेन से प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर चीज़ों को। देखिए, बचपन में जब आप ABCD पढ़ रहे थे, तो आपको किसी ने सिखाया था कि ये इसको बोलते हैं ABC, उसके बाद आप रट रट के उसको याद किया, उसके बाद सेंटेंस याद किया, उसके बाद कई सारी चीज़ें आपने रट रट के याद किया, आपको अप टू मेट्रिकुलेशन, आपके जो हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम, आपके जो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम, वो भी आपने प्रैक्टिस करके बारी बारी से रट रटे उसको आपने याद किया और एग्ज़ाम में पास किया। ओके, ये बात सच है। तो वहाँ पर आपने अपना जो नाइफ है उसको बारी बारी से रगड़ाया और उसको शार्पर बनाया, तो यहाँ पर क्यों नहीं करेंगे आप? ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। ये जो नाइफ का एग्जाम्पल है, मुझे लगता है अगर आपको इसके बारे में समझ में आई होगी बात, तो यू विल नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस वेल, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। मेहनत रंग लाएगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और देखिए, डार्विन साहब का जो एक बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो मैं कहना चाहूँगा।
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब और प्रैक्टिस मेंटेन परफेक्ट, परफेक्ट जो परफेक्ट है उससे क्या आता है, फिटनेस आता है, फिटनेस से क्या आता है, फिटेस्ट आता है, फिटेस्ट से क्या आता है, सर्वाइवल आता है। मतलब क्या है, आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आपके सर्वाइवल, मतलब एग्जाम में सर्वाइवल का संभावना और बढ़ेगा। ओके, एग्जाम में आप सर्वाइव कर पाओगे। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखो, ये बात तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपटीशन कितना है वो आपको पता है। ये ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू प्रिपेयर वेल, यू हैव टू प्रिपेयर वेल सो दैट यू कैन सर्वाइव इन योर मेरिट लिस्ट, एग्जाम मेरिट लिस्ट। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 34th इंडियन टू लीड इंडिया इन टेस्ट मैचेस, टेस्ट मैचेस क्रिकेट कैप्टन खेल रहा हूँ। इज द 34th इंडियन टू लीड इंडिया इन टेस्ट मैचेस आफ्टर ही टुक ऑन द स्किपर्स रोल ड्यूरिंग इंडिया सेकेंड टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट द वनडेज स्टेडियम इन जोहान्सबर्ग ऑन जनवरी 3, 2022, ड्यू टू एन अपर बैक स्पेजम इंडियन टेस्ट कैप्टन विराट कोहली इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। तो टीम 11 के अंदर जो विराट कोहली वो है नहीं, तो टेस्ट कैप्टन अभी फिलहाल कौन है, केएल राहुल। ओके, टेस्ट कैप्टन अभी फिलहाल 34th की टेस्ट कैप्टन 34th टेस्ट कैप्टन केएल राहुल। केएल राहुल सबा अल खलीद अल सबा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। तो क्या कहते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में, नंबर वन पॉइंट है ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, नंबर टू द कंट्री हैज़ फॉर्म्ड ए न्यू कैबिनेट विद ए न्यू फाइनेंस मिनिस्टर एंड थ्री लेजिस्लेटर फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। तो थ्री लेजिस्लेशन भी अपोजिशन पार्टी की तरफ से है। ओके, दिस इज द थर्ड कैबिनेट ऑफ दिस कंट्री दिस ईयर आफ्टर प्रीवियस गवर्नमेंट रिजाइंड इन स्टैंड ऑफ, इन स्टैंड ऑफ, इन स्टैंड ऑफ विथ नो वन फीमेल मिनिस्टर, विथ वन फीमेल मिनिस्टर। सो वी गॉट द पॉइंट दैट सबा अल खलीद अल सबा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत इज, मतलब द कंट्री हैज़ फॉर्म्ड ए न्यू कैबिनेट विथ ए न्यू फाइनेंस मिनिस्टर एंड थ्री लेजिस्लेटर फ्रॉम अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी, तो वील सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्री बाई फुले वॉल्स, हमने यहाँ पर सावित्री बाई फुले जी के फोटो भी लगाए हुए हैं। ओके, बहुत एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थी, व्यक्तित्व थी वहाँ पर, मतलब उस टाइम पर जब हमारे जो 1831 to 1897 सावित्री बाई फुले वॉज सोशल रिफॉर्मर, शी वॉज सोशल रिफॉर्मर। ओके, शी वॉज सोशल रिफॉर्मर। तो एक जो ये मतलब नेशनल मोमेंट्स की उस दौरान जो व्यक्ति हुआ अभी फिर से क्यों आए, देखिए इनके जन्मदिन जो है 3rd January, तो कल थी, कल सॉरी कल था 3rd January, कल था 3rd January। सो ऑन दैट बेसिस आगे देखिए क्या कहता है, नंबर टू पॉइंट नंबर टू बोलता है 191st बर्थ एनिवर्सरी, तो कल उनके 191st बर्थ एनिवर्सरी था जिसके तहत उनके न्यूज़ में लाया गया है। ओके, न्यूज़ में लाया गया है और उनके बारे में एक जीके करंट अफेयर्स का जीके भी बन चुका है। ओके, सावित्री बाई फुले 3rd January 1831 to 10th March 1897 वॉज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर एजुकेशनिस्ट एंड पोइट फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी, कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी, ये भी आया हुआ है। दिस ईयर और तो पढ़ लिया हमने, शी वॉज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट सोशल रिफॉर्मर एंड वॉज एंड ऑल्सो बिकेम ए टीचर एट द टाइम व्हेन गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू बी एजुकेटेड एंड अटेंड स्कूल, अटेंड स्कूल, तो स्कूल में भी जाने नहीं दिया जाता था।
और पढ़ाई भी नहीं करने दिया जाता था उस टाइम में, उन्होंने टीचर बनी थी। टीचर बनी थी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन। सो इसी की वजह से सावित्रीबाई फुले क्वेश्चन में लाए गए हैं, क्वेश्चन में लाए गए हैं। नंबर 4, द हु विल लीड इंडिया फॉर द ओडीआई सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। यहाँ पर भी केएल राहुल है। यहाँ पर भी केएल राहुल है, ओडीआई भी केएल राहुल, साउथ अफ्रीका में ओडीआई भी केएल राहुल कैप्टन होंगे। और वाइस कैप्टन कौन होगा? देखिए 2 नंबर पे वाइस कैप्टन भी जसप्रीत बुमराह, वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह। इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कैप्टन। बिकॉज कैप्टन चेंज जो हुआ है, इंडियन का जो मेन टीम है उसके कैप्टन चेंज हो गए हैं, तो यू हैव टू बी विथ दिस करंट अफेयर्स। देखिए क्वेश्चन कितना गहरा है वो उसको आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू सी द ग्रेविटी ऑफ द क्वेश्चन एंड देन टू रिमेंबर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ओडीआई कैप्टन और टेस्ट कैप्टन दोनों केएल राहुल, दोनों केएल राहुल। विच नेशन हैज लॉन्च्ड केएस एलवी2 नूरी रॉकेट एंड विच इज द फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड स्पेस लॉन्च व्हीकल। साउथ कोरिया, नूरी रॉकेट साउथ कोरिया। अच्छा, मैंने पहले शायद हमने एक ये डिस्कस किया था कि नूरी रॉकेट जो है साउथ कोरिया, नूरी रॉकेट साउथ कोरिया। ये केस जो है एब्रिविएशन, उससे हमें इसे लिंक करके हम याद रख सकते हैं। अगर केएस के लिंक बनाया जाए तो केएस का जो लिंक है साउथ कोरिया, तो उसके लिंक से हम याद इसको कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं छोटी छोटी जो कनेक्शन है मैं बताता रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट। अब्दुल्ला हदमुख हमदोक द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिजाइंड ऑन जनवरी 2, 2022। देखिए सूडान के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। यहाँ पर मिलिट्री कोप होने के बाद क्या हुआ, उनके प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, दिसंबर महीना में क्या हुआ, उनको फिर से बैठाया गया था और उन्होंने फिर से रिज़ाइन किया। सिंह की ही हैज़ रिजाइन 6 वीक्स आफ्टर रिटर्निंग टू हिज पोस्ट एंड इन अ डील विथ मिलिट्री। देखिए डील किया है उन्होंने मिलिट्री के साथ, डील किया मिलिट्री के साथ। विच स्टेटेड दैट दैट दिस कुड सेव द ट्रांजिशन ऑफ द सूडान टूवर्ड्स डेमोक्रेसी। मतलब उनके रिटर्न की जो बात है, मतलब जो सिविलियन गवर्नमेंट होता है तो डेमोक्रेसी के तहत उसको इलेक्शन में बनाए जाते हैं, तो डेमोक्रेसी वापस आएंगे, डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया जाएगा, इसको इसके तहत इनको फिर से लाया गया था, बट उन्होंने फिर से रिजाइन किया। इट इज मोर देन 2 मंथ्स आफ्टर ए कॉफ इन डेली क्रैकडाउन ऑन द प्रोटेस्टर विद मिलिट्री, मिलिट्री नाउ फॉर्मली इन कंट्रोल। तो प्रोटेस्टर जो बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसी तहत क्या हुआ, मिलिट्री ने कंट्रोल ले लिया था, मिलिट्री कंट्रोल ले लिया था। तो और एक बार बता दें, अब्दुल्ला हमदक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, इज़ फ्रॉम सूडान। तो पिछले मंथ का जो ये है करंट अफेयर्स, तो उसको हम याद करें तो इसी से हमारे यो याद हो जाता है, अब्दुल्ला हमदक मिलिट्री कोप वगैरह। और उसके बाद जैसे कि बताया आपको, काफ़ी लंबा जो ये इंटरनेशनल प्रेशर आया था, इवन वर्ल्ड बैंक इसको क्या किया था, आपने जो फाइनेंस का जो सप्लाई है वो भी बंद कर दी थी, वो भी बंद कर देती। तो नेचुरली अगर फाइनेंस के सप्लाई अगर बंद हो जाता है तो आदमी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई भी पैसा से ही तो सब कुछ खरीदा जाता है। तो उन्होंने फिर घुटने टेक दिए थे, तो फिर से उन्होंने क्या हुआ, सिविलियन गवर्नमेंट को लाया गया था यहाँ पर सूडान में। चलो नेक्स्ट। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री इज़ द कैंपेन बाई यूके गवर्नमेंट, कैंपेन बाई यूके गवर्नमेंट, कैंपेन बाई यूके गवर्नमेंट, बेटर हेल्थ स्मोक फ्री। इट इज लॉन्च बाई द यूके, ओके, यूनाइटेड किंगडम। द कंपेन हैज अर्ज द स्मोकर टू क्विट स्मोक, टू क्विट स्मोक,
क्विट स्मोक. ओके, इन हाईलाइटिंग तीन नंबर पे क्या है, तीन नंबर पे हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द एडल्ट स्मोकर्स ऑन द यंग पीपल, न्यूजीलैंड हैज टेकन टारगेट टू गो स्मोक फ्री बाय 2030. तो क्या हुआ 2030 के अंदर, कौन, न्यूजीलैंड. ये है इनका टारगेट, 2030 के अंदर इन्होंने स्मोक फ्री चले जाएंगे. तो न्यूजीलैंड इज गोइंग टू बी स्मोक फ्री बाय 2030. आर्बिटर हेल्थ स्मोक फ्री इज कैंपेन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन आर्की. ओके, आठ नंबर द अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट ओन बाय इंडिया, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट ओन बाय इंडिया. नंबर सी ए आपका आंसर है. तो अंडर 19 ये 31st का मैच हुआ था, आप लोगों ने शायद देखे होंगे, कई लोग 99% स्टूडेंट शायद देखा होगा मैच. ओके, ये भी एक बहुत मतलब ये इंटरेस्टिंग एंड लव टच चैनल, सो दैट योर ब्रेन गेट रिलैक्स्ड. ओके, बहुत ही अच्छा, जिसको लगता है तो उसके दिमाग भी फ्रेश हो जाता है. इन ए रेन इंटरप्टेड फाइनल इंडिया बीट श्रीलंका बाय 9 wickets एंड लिफ्टेड द अंडर 19 एशिया कप इन दुबई ऑन December 31, 2020, मतलब लास्ट 31st. ओके, इंडिया अंडर लीडरशिप यूएस धूल वन थ्रो द डकोथ लिविस मेथड, मैंने ये क्या है, अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जो ओवर का जो संख्या है वो कम कर दी जाती है और उसके हिसाब से रन रेट बना के कितना टारगेट होना चाहिए वो टारगेट फिक्स करके खेला जाता है. देखिए क्या बोलता है, ड्यू टू रेन इट इज़ 38 ओवर, मतलब 50 ओवर के जो ये है तो उसको 38 ओवर में किया गया था. डकवर्थ लिविस स्टर्न मेथड इज ए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन डिजाइन टू कैलकुलेट द टारगेट स्कोर नंबर ऑफ रन्स रिक्वायर्ड टू विन फॉर द टीम बैटिंग स्कोर सेकेंड इन ए लिमिटेड ओवर क्रिकेट मैच इंटरप्टेड बाई वेदर और अदर सर्कमस्टेंसेस. तो अभी समझ में आई होगी आपको कि ये क्या है, अगर रेन बारिश वगैरह हो जाती है तो उस टाइम पर क्या करता है, क्या 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 होता है कि लिमिटेड ओवर का खेला हो जाता है. ओके, ओवर होता है और लिमिटेड ओवर में कितने रन चाहिए वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से बताया जाता है. ओके, बताया जाता है. नेक्स्ट, व्हिच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लीज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ आर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. It is half yearly report on released by Reserve Bank of India. As per the report, the retail-led credit and growth model in India is begins to face issues due to two factors. Number three, increase the defaults in the consumer finance portfolio and slowdown in the new credit segment. तो ये दो factor के बारे में बात कर रहा है. This is talking about these two factors, consumer finance portfolio and slowdown in the new credit segment. दस नंबर क्या है, which one of the following university has inaugurated Kalpana Chawla Center for Research in Space Science and Technology, ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. अच्छा, चंडीगढ़ से चाला, मैंने उसमें मतलब हिंदी वाला जो चैनल है उसमें बताना भूल गए, चंडीगढ़ से चाला, इसका कनेक्शन ऐसे जोड़िए आप, चंडीगढ़ से चाला. देखिए आप भूलेंगे नहीं, यू विल नेवर फॉरगेट, अगले 2 साल तो भूलेंगे ही नहीं भूलेंगे, इसमें कोई बात नहीं, मतलब कोई सेकंड थॉट नहीं है दैट यू आर गोइंग टू फॉरगेट दिस क्वेश्चन, बिकॉज चाला एंड चंडीगढ़ इट इज़ वेरी कॉमन टू प्रोनाउंस एंड रिमेंबर. चाला चंडीगढ़, 3 times यू प्रोनाउंस यू विल नेवर फॉरगेट, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स. अगर चावला चंडीगढ़, बाकी किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम दो चंडीगढ़ के साथ, के जो कल्पना चावला चावला इसके साथ चंडीगढ़ का ही कनेक्शन बन रहा है, सो यू कैन फॉर रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो हमने क्या किया, चंडीगढ़ और चाला का कनेक्शन जोड़ के क्वेश्चन को हमने याद कर करके रख दिया. ओके, आगे 2-4 एक्सप्लेनेशन है. दिस सेंटर मैंने मतलब दिस सेंटर मैंने मतलब कल्पना चावला
सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, दिस सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाई यूनियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह इन January 3, 2021। अब ये 2021 क्यों आया, जैसे कि एक वर्षवरण होते जो एनिवर्सरी जो सेलिब्रेशन की जाती है उसके तहत ये क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। इसके तहत दिस रिसर्च सेंटर हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन स्पेस एंड साइंस सैटेलाइट डेवलपमेंट एंड टू मीट फ्यूचर चैलेंजेस इन दिस स्पेस रिसर्च, फ्यूचर चैलेंजेस इन स्पेस रिसर्च। द स्टेट ऑफ द अर्थ सेंटर विल बी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होगा। तो इसके अंदर हमें याद रखने का एक यह है कि कल्पना चावला से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो रिसर्च सेंटर खोला गया है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज फ्रॉम हिज कंट्री। तो ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, मोहम्मद हफीज फ्रॉम पाकिस्तान। फॉर्मर स्किपर फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने अपने आप को निकाल लिया। He will now be retiring from all forms of international career, bringing down curtains on his almost two decades old career. तो 20 साल के करियर, the 14-year-old had announced his retirement from Test cricket earlier 2018. तो Test से विदाई लिए थे उन्होंने 2018 में। अब 2022 में उन्होंने कंप्लीट क्रिकेट से वनवास लेंगे, कंप्लीट क्रिकेट से वनवास लेंगे। तो क्रिकेट से उन्होंने और इस्तीफा मतलब खेलेंगे नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट, ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट्स। ओके, तो ये था आज का जो करंट अफेयर्स। दोस्तों हमने जो जितने भी करंट अफेयर्स लेके हैं आपके लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सारे सेक्टर को ढूंढ ढूंढ के लाया गया है। सो इट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर current affairs preparation for forthcoming exams. Okay, hopefully you got the point and you understand the point whatever we discussed, and we'll continue to fulfill your demands in next point. Okay, next coming times. तो एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों आपको, नाइव की एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दी है, और ज़िंदगी में रिसोल्यूशन बहुत जरूरी है। रिसोल्यूशन ओके, जो ईयरली रिसोल्यूशन वो 31st night को ली जाती है, अगर आपने नहीं ली तो जल्दी से जल्दी ले लें और अपने काम शुरू करें। बिकॉज रिसोल्यूशन का मतलब नहीं, रिसोल्यूशन मतलब मनी मन में और डायरी में लिखना जरूरी नहीं है, बट काम में बदलना जरूरी है। ओके, यू हैव टू वर्क फॉर दैट, यू हैव टू मटेरियलाइज दैट प्रॉमिस दैट यू कैन यू आर गोइंग टू डू इट। ओके, आपको हर दिन प्रिपरेशन करते जाना पड़ेगा, करते जाना पड़ेगा। ओके, ये है ईयरली रेजोल्यूशन, और ये जो हम लेके आते हैं आपके लिए ये है डेली बेसिस का रेजोल्यूशन दैट आई कैन डू इट एट इट, बिकॉज ये है जीवन का एक मंत्र है। डेली बेसिस में आप इसको प्रोनाउंस करेंगे और आप अपना प्रिपरेशन करते चलेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैव बेटर फ्यूचर इन योर लाइफ, बेटर फ्यूचर। होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट, होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट। दोस्तों अगर आप अपने आप से बिलीव नहीं करेंगे तो किसके ऊपर बिलीव करेंगे? पहले आप हमें अपने ऊपर विश्वास जताना होगा, सो दैट वी कैन डू मच मेनी मेनी थिंग्स मच मोर। दिल मांगे मोर, ऐसे भी है दिल मांगे मोर। अगर आप इसके ऊपर बिलीव करते हैं और काम करके करते जाते हैं बहुत कुछ मिलता आपको। बाकी लाइक शेयर और कमेंट्स ये ज़रूर करें दोस्तों, आपके प्यार मोहब्बत होगा तो हम और आगे बढ़ता जाएंगे और आपके लिए और अच्छे अच्छे जो कनेक्शन वाला सिस्टम मैंने बताया, कल्पना चावला चंडीगढ़, चावला चंडीगढ़, ऐसे वाला सिस्टम में हम आपको याद चुटकियों में याद कराएंगे। देखिए चावला चंडीगढ़ ये आप दो चार बार आप बोलते रहेंगे तो यू विल नॉट फॉरगेट, आप भूलेंगे नहीं। अगले दो साल तो भूलेंगे नहीं, कोई बात नहीं, अगले दो साल तो भूलना ही नहीं है। ओके, चलिए आज यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।